हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए दिवाली की और करवा चौथ की। तो मैं और ध्रुव घर से निकल चुके हैं, ध्रुव के पापा उधर से आएंगे ड्यूटी ऑफ करके, फिर उधर से हमको मिल जाएंगे, तो फिर हम मार्केट में चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट में और मिलती हूँ वहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो अभी चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्योंकि आ चुके हैं, अभी मार्केट में मिल गए हमको, अब चलते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। अब हम आ गए हैं शॉप के अंदर। इसमें दो पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में आपको सूट मिलेंगे और ऊपर का जो पोर्शन है उसमें साड़ियाँ मिलेंगी। बहुत बड़ी शॉप है ये। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी साड़ी फाइनल हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं दूसरे मार्केट में। ये बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे साड़ियाँ सूट जो भी आइटम आप लेना चाहें मिलेगा। ये वन पीस आपको 150 रुपीज़ में मिलेगा। ये है कॉस्मेटिक शॉप, बट मुझे लेने हैं बैंगल्स, तो मैं आ गई हूँ बैंगल्स ख़रीदने के लिए इस शॉप पे। यहाँ पे आपको सभी टाइप के बैंगल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जैसा आप लेना चाहें। अभी आ चुके हैं मार्केट से, जस्ट अभी आए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और कुछ सामान तो हम कल मार्केट से लेके आ गए थे, और कुछ सामान हमारा अभी बचा हुआ है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में। तो अभी शाम के बज गए 6:30 और अभी हम निकले हैं बाहर। और कल की है करवा चौथ, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो उसके लिए सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हमारे सोसाइटी के बाहर जो मार्केट है उसमें जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं गेट से बाहर, और गेट से बाहर ही मार्केट है, ये मार्केट है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सामान ले लिया है, यहाँ सामान यही बच गया था मेरा, वो ले लेते हैं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ करवा, मुझे ये पेंटिंग वाला करवा पसंद आया था। यहाँ पे सिंपल भी रखे हुए हैं, बट वो मैंने नहीं। फ्रेंड्स सामान लेकर के आ गए हैं, ये सामान है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, ध्रुव खेलने लग गया है थोड़ी देर के लिए, वो खेल लेता है, फिर उसके बाद चलते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 8:30, और अभी जस्ट अभी हमारा खाना पीना हुआ है। तो खाना पीना हमारा हो गया है, अभी हम फ्री हो गए हैं, और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा जो मेहंदी है उसको मैंने यहाँ पे लगा करके चेक किया है, और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब भी मैं इस कीप का यूज करती हूँ, न्यू जो कीप होती है उसका यूज करती हूँ, उससे पहले मैं चेक जरूर करती हूँ, ताकि इससे पता चल जाए कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि एलर्जी होगी तो 20 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कोई खुजली वगैरह कुछ भी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो मेरा 20 मिनट हो गया है, तो चलिए अब मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गई है कॉफी। फ्रेंड्स हाफ मेहंदी लग चुकी है, वैसे मेरे को कीप चलाना आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ कीप चलाना, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवाने वाली तो मिली नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ जैसा भी आता है। अब कॉफी आ गई है, तो सबसे पहले अगर कॉफी पी लेते हैं, फिर बाद में दोबारा से स्टार्ट। फ्रेंड्स फाइनली मेरे एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है। इस मेहंदी को बनाने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लग गया है, और ये हाथ है इसके तो अब लगा नहीं सकती, बिकॉज ऑफ ये जो एक हाथ में मेहंदी लग गई, और इस हाथ पे अब कैसे लगाऊंगी, तो इस पे मैं कल लगाऊंगी। कैसी लगी कमेंट से बताइएगा जरूर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।